गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड विद डीप सैडनेस आई एम मेकिंग दिस वीडियो। जैसे कि आप सबको बताया दैट आई गॉट अ स्टीप फ्यू मंथ्स बैक एंड फाइनली आई हैव कम टू अ डिसीजन दैट आई एम सेलिंग ऑफ दिस कार एंड आई विल टेल यू द रीज़न व्हाई, नॉट इन दिस वीडियो बट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आप देख सकते इतना प्यार से मैंने बनाया था इसे एंड फाइनली आई एम सेलिंग इट ऑफ। सो लिटिल सैड ऑब्वियसली, बट चलिए अभी हम जो खरीदने वाले हैं उनसे मिलते हैं। तो गाइस, द ओनर हैज कम एंड लेट्स मीट द ओनर। सर, वेलकम टू माय चैनल। व्हाट इज योर नेम? मंजुनाथ। मंजुनाथ। सो मंजुनाथ भाई, बताइए क्यों आपने डिसाइड किया है कि मेरे गाड़ी में आपको क्या पसंद आया कि आपने डिसाइड किया कि दैट यू विल बाय द कार? क्या बता मतलब गाड़ी पसंद आया इसीलिए ना लिया है। इसीलिए लिया है। मतलब कंडीशन आपको कैसा लगा? सब सही है। मॉडल पुराना रहने पर भी कंडीशन अच्छा है। अच्छा, अच्छे से रखा है इसलिए मेन कंडीशन आपको मतलब पसंद आया है और प्राइस भी आपको पसंद आया है और इस पे एलपीजी भी है, पेट्रोल भरने का कोई इसमें टेंशन नहीं है। पेट्रोल भरना ही नहीं है, सिर्फ एलपीजी डालो और चलाओ। इसलिए 100% सैटिस्फैक्शन। आपको टेस्ट ड्राइव अच्छा लगा? टेस्ट ड्राइव अच्छा लगा। तो आपको बोलने के लिए हमने इसमें एक्चुअली कल ही हमने वॉश किया है। वॉश करके हमने अंदर कंप्लीट वैक्यूम किया है। वैक्यूम करने के बाद मैंने इसमें पॉलिश भी मारा है। तो आपको अगर आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा बहुत आपको टिंच दिखाई देगा कि पॉलिश मारा है करके। ये देखिए, थोड़ा सा पॉलिश मारा है इसीलिए थोड़ा सा ये आ रहा है। तो आप सेटिस्फाइड है? चला के वाला के सब अच्छा लगा? तो आई होप आपके सब, आप भी इस गाड़ी से बहुत घूमें और आपको कभी कुछ तकलीफ ना हो, हम यही चाहते हैं। और प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स आप आराम से, जब इसका एफसी जब आ रहा है अगस्त में, आप आराम से अगस्त में ओनरशिप के साथ आप चेंज कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं आखिरी बार, दिस इज़ माय पार्किंग लॉट, जैसे आपको पता ही है, ये मंजू भाई है। तो मैं इनको जाके बैक गेट में ड्रॉप करूंगा एंड दिस विल बी माय लास्ट ड्राइव इन दिस कार। तो चलिए। 2000 years later. तो गाइस, आखिरी बार हम ये इस टीम को स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू द बैक गेट। हम जा रहे मंजू भाई को बैक गेट में ड्रॉप करने के लिए। सो आई हैव हैड वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिस कार। कार ने मुझे कभी भी आज तक कहीं भी तकलीफ नहीं दिया है और ना ही मैंने आज तक इसमें पेट्रोल भरा है। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें एलपीजी किट लगा हुआ है, तो मैंने सिर्फ एलपीजी भरा है इस कार पे, पेट्रोल मैंने आज तक भरा ही नहीं। और भरने से भी मैक्सिमम शायद 500 रुपये का मैंने पेट्रोल डाला होगा आज तक। और मैं स्टार्ट भी एलपीजी में ही करता हूँ, एलपीजी में ही गाड़ी चलती है। तो मुझे आज तक, गॉड फॉरबिड, ये कार मेरे को आज तक कुछ भी तकलीफ नहीं दिया है। और जैसे आप सबको पता है कि मैं कार बहुत अच्छे से रखता हूँ, सर्विस भी सब कुछ रिसेंटली करा हुआ है, तो कोई वैसे कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। बस गैस भरो और चलाओ। वो कहावत था ना पहले कि पेट्रोल भरो और चलाओ, वो पेट्रोल का सिस्टम नहीं है इस कार में, आप गैस भरो और चलाओ। सो हम आ गए हैं बैक गेट पे एंड दिस इज इट। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो और मंजू भाई ने डिसाइड किया है दैट ही विल नॉट लेट गो ऑफ द स्टिकर्स, सो वेरी काइंड ऑफ हिम। ये स्टिकर्स यही रहेंगे। आपको मैं एक लास्ट वॉक अराउंड दिखा देता हूँ इस कार का। एंड हियर गोज। अच्छा मंजू भाई, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, क्योंकि मैंने इसमें मोटा टायर लगा के रखा है ना, तो कभी कभी आप जब लेफ्ट टर्न लोगे, लेफ्ट टर्न, तो कभी कभी ये फेंडर में टच होगा, उसका टेंशन का बात नहीं है, कुछ टेंशन का बात नहीं है। अब डरो मत कि कुछ हो जाएगा करके, लेकिन कभी कभी लेफ्ट टर्न जब आप लोगे तो फेंडर में टच होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट टर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेफ्ट टर्न, क्योंकि टायर मोटा है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गैस भरो और चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और पर ये हमारे काजल भाई, हमारे हेड डिटेलर सेरेमिक कोटिंग का। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है, ये वाला। ठीक है, ओके, मिलेंगे भाई भाई। आपको गाड़ी लेके जाएंगे कब? और एक वन आवर वन आवर में
ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके बाय बाय। और ये गई मेरी कार, बाय बाय। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि व्हाई आई हैव सोल्ड दिस, रीज़न फॉर दिस यू गाइस हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड अगले वीडियो में आप देखना कि मैंने इस गाड़ी को सेल करके कौन सी नई कार ली है। मैं आपको एक स्टिंकर दे देता हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिक कार। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, आई होप वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर ठोकना एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, सी यू, बाय बाय।